हाई गाइज़, वेलकम बैक माई YouTube चैनल ब्यूटी टिप्स विथ व्लॉगिंग। आप कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हम आपके लिए ज़बरदस्त सा ब्यूटी टिप्स का एक ट्रिक्स लेकर आए हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एड़ियाँ फटी, यानी कि ये सीज़न जो चल रहा है फटी एड़ियों का, इससे निजात पाने के लिए, इससे अगर आप इससे परेशान हैं तो ये नुस्खे, घरेलू नुस्खे अपनाएँ। आप फटी एड़ियों के लिए क्या करना चाहते हैं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ हाथ पैरों की खूबसूरती भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन कई बार पैरों की केयर ना करने से एड़ियां फटने की परेशानी हो सकती है, यानी आपकी एड़ियां इस तरह से फटी हो सकती हैं। हल्की हल्की होंगी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाएंगी अगर आप उनकी केयर सही से ना करेंगे। तो फटी एड़ियां अगर आपकी हैं तो जो हम आगे टिप्स एंड ट्रिक्स देने जा रहे हैं उस पर अमल करिएगा। फटी एड़ियों के लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूले हमने यहाँ पर दिए हैं, शायद आपको अभी किसी ने ना बताया हो, लेकिन ये आपको बहुत ही ज़्यादा कारामद होंगे ये नुस्खे जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। वीडियो पे बने रहेंगे, लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। क्यों फटती हैं एड़ियाँ पहले ये जान लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग खाने पीने का टाइमिंग सही नहीं होती है, यानी कि अनियमित खान पान या आपकी बॉडी में विटामिन्स ई की कमी या कैल्शियम या आयरन की कमी, और इसकी वजह से भी आपकी एड़ियां फटने लगती हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये कमियां हो जाती हैं तो एड़ियां फटने लगती हैं। तो इसका छुटकारा कैसे पाएं, आइए फटी एड़ियों की समस्या से निजात पाने के कुछ घरेलू उपाय, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए हम लाए हैं। ये देखिए, ये है तेल से मालिश। आप पहले गर्म पानी से पैरों को धोकर गुनगुने नारियल तेल या जैतून के तेल से एड़ियों पर मालिश करें, इससे एड़ियां फटने की परेशानी कम होगी। ग्लिसरीन और नींबू, ये फटी एड़ियों के लिए बहुत ही कारगर हैं। ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा कारगर हैं। इसके लिए आप ग्लिसरीन में नींबू का रस मिलाकर एड़ियों में लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, फटी एड़ियां बहुत जल्द ठीक हो जाती हैं। एलोवेरा जेल और शहद, इन दोनों को 2 चम्मच एलोवेरा जेल के साथ 1 चम्मच शहद दोनों को मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर को, जो ये मिक्सचर है, इसको एड़ियों पर 4 से 5 मिनट के लिए लगा लें और फिर पैरों को धो लें। इस तरह से आप हफ्ते से 10 दिन के अंदर इस तरह से आप अगर करेंगे, एड़ियों पर एलोवेरा जेल और शहद का मिक्सचर लगाएंगे तो बहुत जल्द आराम मिलेगा। वैसलीन रात में पैरों को धो लें और हवा में सूख जाने दें। आप एड़ियों पर वैसलीन से मालिश करें और सॉक्स पहन लें। रात भर पैरों को ऐसे ही रहने दें, उस पर नंगे पैर आप ज़मीन पर मत उतरें, ना ही सॉक्स को उतारें, बिल्कुल आराम हो जाएगा बहुत जल्द। शिया बटर फैट रिच होता है इसमें, और इसमें कई विटामिन्स मौजूद होते हैं जो स्किन को सॉफ्ट बनाने में मदद करते हैं। इससे आप क्रैक हेयर्स से छुटकारा पा सकते हैं। फटी एड़ियों से निजात पाने के लिए कोकोनट और बादाम का तेल, ये भी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इससे भी आप मालिश करें, बहुत जल्द आपको इससे राहत मिलेगी। कोकोनट और बादाम का तेल, यानी नारियल और बादाम का तेल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और जाते जाते सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाँ।